अंत भला तो सब भला, ये कोटेशन आपने सुना होगा ना। लेकिन अगर अंत खराब हुआ तो फिर पूरा का पूरा खराब हुआ। अगर अंत में एंड में आपकी सर्विस लग गई, आप एग्ज़ाम निकाल लिए, आपका सिलेक्शन हो गया, तो फिर पूरा का पूरा आपका बिल्कुल परफेक्ट था। आप बहुत अच्छे लड़के थे, आप बहुत अच्छी लड़की थी, आप बहुत तैयारी करते थे, आप बहुत सही थे, बिल्कुल गलत नहीं थे। लेकिन अगर अंत सही नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो फिर आपके ऊपर क्या आता है? पूरा गलत, ये लड़का बिल्कुल गलत था, ये लड़की बिल्कुल गलत थी, ये तो पैसे उड़ा रही थी, ये तो पैसे उड़ा रहा था, ये पढ़ने वालों में से नहीं है, ये थोड़ी ना पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो बर्बादी कर रहे हैं, फिर ये वाला सुनने को मिलता है। उसी तरीके से जीवन में अंत भला तो सब भला, लेकिन अगर कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपसे प्यार करती है, उसने जीवन में 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल आपके साथ जो किया किया, लेकिन अंत में आके प्रेम आपसे, विवाह किसी और से कर लिया, तो अंत तो बिल्कुल खराब हुआ ना। तो फिर अंत अगर खराब है, तो इसका मतलब वो पूरा जीवन, पूरा समय जो आपके साथ बिताया था, जब वो आपके लिए अच्छा था, वो तब भी खराब था, क्योंकि वो आपके लिए नहीं था। जो आपके लिए गलत है तो गलत मानो, ऐसा कोई भी विरोधाभास अपने जीवन में मत रखो कि वो सही भी है और वो गलत भी है। जीवन में हमेशा क्लियर रहो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, मानो दुनिया आपको गरियाने के लिए तैयार बैठी है, आपके माँ बाप की आशा, आपके माँ बाप के सपने टूटने के लिए तैयार बैठे हैं, उनकी आंखों में आंसू, और वो भी गम वाले आंसू, वो भी पूरी ज़िंदगी वाले आंसू आने के लिए तैयार बैठे हैं। आपने नहीं किया है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, वो आंसू आएंगे, वो सपने टूटेंगे, वो हारेंगे, वो मान जाएंगे कि आप नालायक हैं, आप उनके नालायक लड़के हैं, उनके नालायक लड़की हैं, आप इस चीज़ को मान के रखिए। कभी भी लाई चुपड़ी वाली बात पे मत रहना कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत करी थी, इस बार नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मान लीजिए आप गधे हैं, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, उसको मानिए कि वो गलत इंसान है, वो सही नहीं है। आपने अगर किसी के साथ गलत किया, मानिए आप गलत हैं, इसका भोगना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप सही हैं, तो अपने काम पे फोकस कीजिए। इस बार आपने सबका दिल तोड़ा, इस बार आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, इस बार आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, इस बार आपका रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं। आपको ये तो पता है ना कि अंत भला तो सब भला, अभी आपका अंत हुआ तो नहीं है ना, अंत अभी बाकी है ना। अंत उस दिन होता है जिस दिन आपके पास ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं, जिस दिन आप फॉर्म नहीं भर पाते, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने के लिए काबिल नहीं होते हैं, वो होता है अंत एक विद्यार्थी का, एक कैंडिडेट का। अभी तो बचा है ना, तो आपके लिए तो अंत नहीं है ना, दुनिया के लिए वो अंत है, माँ बाप के लिए भी हो सकता है वो अंत है। कि अंत भला नहीं है तो आपने पूरा जीवन नुकसान ही किया है, पूरा जीवन आप सही नहीं थे, आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन ये आपको पता है ना, अभी अंत नहीं है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी आज से भी मैं अगर दृढ़ निश्चय करता हूँ, आज से भी मैं मानता हूँ, मैं गेम बदल दूंगा, मैं पूरी की पूरी मूवी चेंज कर लूँगा, क्योंकि मेरे हाथ में पेन है, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट है, मैं अपने जीवन की स्क्रिप्ट को चेंज करूंगा। भले मैं टूट चुका हूं, भले उसकी शादी कहीं और हो गई है, भले वो शादी कहीं और कर लिया है, होने दो, कोई मेरे जीवन से जा रहा है, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो उसको, जाने दो, वो एक फटे हुए नोट की तरह है आपके लिए, जो अब नहीं चलेगा, इतनी बुरी तरीके से फट गया, उसको छोड़ो, आप अपना जीवन देखो। जब सफलता आती है ना, तो जीवन में सब कुछ अच्छा लगता है, फिर आप टिकने वाले नहीं हो। सफल इंसान को सफल इंसान ही अच्छा लगता है। वो बहुत खतरनाक वाला प्रेम होता है कि लड़की का सिलेक्शन हो गया और लड़का बेरोजगार है, और फिर भी लड़की ने उसका दामन पकड़ा। लड़के का सिलेक्शन हो गया, लड़की का नहीं हुआ, लड़का मुंह फेर रहा है, या लड़के ने भी उस लड़की का दामन पकड़ा हुआ है, नहीं, मैं हूँ, ये सब फर्जी बातें होती हैं। तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं शादी कर लूँगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तू शादी कर लियो, कोई नहीं टिकता भाई। अंत में आके सब पैसे, मोह माया, इसी का खेल होता है। सब इस सूरत पे मरते हैं, स्किन के कलर पे मरते हैं, हेयर स्टाइल पे मरते हैं, बातों पे मरते हैं, यादों पे मरते हैं, कोई किसी इंसान की सच्चाई पे नहीं मरता। बहुत रेयर चांस है कोई किसी इंसान की सच्चाई पे मरे, बहुत रेयर चांस है। लोग भविष्य देखने लगते हैं कि इसके साथ क्या ही भविष्य होगा,
लेकिन कोई ये नहीं देखता कि ये इतना लॉयल है, ये इतनी लॉयल है, ये मेरे जीवन में आगे काम आएगी। आएगा, बिल्कुल आएगा। जो इंसान शिद्दत से किसी को चाहेगा उसका साथ भगवान भी देता है, लेकिन जिस इंसान के अंदर झूठ फरेब छुपा होता है ना, उसका भगवान भी साथ नहीं देता। भले उसको अच्छा अच्छा जीवन मिल रहा हो, भी हो सकता है मिल सकता है, लेकिन अंत में उसकी मूवी, उसका उसका जीवन बहुत बेकार होने वाला है। इसलिए आज मैं आपको एक एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, सीख लेना। अगर आपको अपना जीवन वाकई में बदलना है, अगर आप अपनी हारी हुई ज़िंदगी को जीत में बदलना चाहते हैं, तो केवल एक चीज़ याद रखना कि किसी को धोखा नहीं देना। वो किसी को कौन? माता पिता, आप जिससे प्रेम करते हैं, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, लड़की के लिए लड़का हो सकता है, लड़के के लिए लड़की हो सकती है, धोखा नहीं देना। और जो सपना आपने देखा है, भले सामने वाला आपको धोखा दे दे, वो आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आप उसको हाथ पकड़ के नहीं पकड़ सकते हैं। उसका मन है, उसकी ज़िंदगी है, आपने थोड़ी ना पैदा किया है उसको, जाने दो। लेकिन आपको पूरा जीवन सीना चौड़ा करके अच्छे तरीके से जीने का एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं खड़ा था, मैंने मेहनत करी, मैंने सर्विस लिया, मेरे कंधों पे 2 स्टार हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा जीवन है। जब अपना जीवन बदल के उसी संसार में रहोगे, उसी व्यक्ति के सामने दिखोगे, उसी गांव में उसी शहर में अपना बड़ा सा मकान बनाओगे, उसी गांव उसी शहर में जब चारों दिशाओं में लोग बात करेंगे, यार फलाने की लड़की तो आरओ बन गई लखनऊ सचिवालय में, यार फलाने का लड़का तो रेलवे में पुलिस बन गया, दरोगा बन गया, आरपीएफ निकाल लिया यार। और ये जब बातें जब उस इंसान तक जाएगी, उस इंसान के परिवार तक जाएगी, तब उसकी फट के 4 नहीं, फट के 4 लाख हो जाएगी भाई, कि उसने क्या कर दिया। दूर से तो चांद भी देखने में बड़ा मज़ा आता है। वो दूर कौन? वो दूर वो जिसके लिए सामने वाला आपको धोखा दे रहा है। वो दूर जब उस चांद पे भेज दिया जाएगा ना, तो वो सारी की सारी खूबसूरती ना 1 मिनट नहीं टिकती है। बस किसी तरीके धरती पे भेजो मुझे, धरती पे, मुझे धरती पे रहना है। वो धरती कौन? आप। वो धरती कौन? आप, जिसको उसने धोखा दिया। क्योंकि धरती पे क्या है, यानी कि आप में क्या है? कुछ नहीं है, फायर जी है, कुछ तो नहीं है। हमेशा पड़े रहते हो, जब फ़ोन किया फ़ोन उठा लिया, जब जो किया वो मान लिया, जब जो कहा वो हाँ में हाँ भर दिया। आपकी क्या औकात है? खूबसूरत तो वो है यार, उसकी बातों में आधा है, उसकी बातों में जादू है, उसके पास पैसा है, उसके पास सर्विस है, आप में क्या है? लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम निकालते हो, अपना जीवन बदलते हो, आगे बढ़ते हो, भूल जाते हो उस व्यक्ति को, उसकी वजह से अपना नुकसान नहीं करते, अपना जीवन बर्बाद नहीं करते, नशे की ओर नहीं जाते, अच्छी तरीके से पढ़ते हो, अपने शरीर को बनाते हो, मेहनत करते हो, पढ़ते हो, दिन रात एक करते हो, अपना ड्रीम जॉब अचीव करते हो, वो सरकारी आई कार्ड अचीव करते हो, 2-3 साल बाद बैंक से लोन लेके एक मस्त सा घर बनाते हो, एक मस्त सी गाड़ी लेते हो, उसके बाद भगवान के आश्रय अनुसार आपकी एक अच्छी सी शादी होती है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको मिलता है, उसके साथ आप फोटो शेयर करते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और अपना सुखी जीवन जब आप सामने प्रदर्शित करते हो ना, तब उस इंसान को उस धरती की वैल्यू समझ आती है, यानी आपकी वैल्यू समझ में आती है। लेकिन तब तक तो वेट हो जाता है। और ये सही है आपके लिए, क्योंकि जो सफल ज़िंदगी, जो आपके पास घर गाड़ी, जो अच्छा लाइफ पार्टनर, जो आपकी नौकरी मिली है, वो किस कारण मिली है? इसी कारण तो मिली है कि कोई आपको धोखा दे के गया, कोई आपको दर्द दे के गया। उसी के साथ लिपटे रहते ना, तो फिर लिपटे ही रहते हैं। फिर वो यूकेलिप्टस एक पेड़ होता है जो दूसरे पे आश्रित होकर अपना भोजन बनाता है, बस वो बन के रहते हैं आप। इसलिए अच्छा है कोई आपको धोखा दे के जा रहा है, अच्छा है कोई आपको दर्द दे के जा रहा है, अच्छा है कोई किसी और के लिए आपको त्याग के जा रहा है। जाने दो, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत हैंडसम हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे, आपकी सरकारी सर्विस होगी, आप 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख वाले हर मंथ पेमेंट उठाने वाले सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति होंगे, लड़का होंगे, लड़की होंगे, उसी वजह से, उस पेन की वजह से। तो इस चीज़ का मातम नहीं बनाना कि मेरा एग्ज़ाम
मैं अच्छा स्कोर नहीं हुआ, मैं एग्ज़ाम को अच्छा से नहीं कर पाया, वो शादी कर रही है कहीं और, वो मुझे चीट कर रही है, वो किसी और से बात कर रही है, एवरीथिंग, जो भी पेन आपको जीवन में मिल रहा है वो आपकी भलाई के लिए मिल रहा है, बस इस चीज़ को मान लो। और एक बात और याद रखना कि बस इसका एक ही उपचार है, फांसी लगाना, मर जाना, ट्रेन के नीचे आ जाना, जहर खा लेना, ये कोई उपचार नहीं है, इस उपचार से कोई बेनिफिट नहीं है, ये दर्द देगा, आपको भी देगा, आपके माता पिता को भी देगा। इसका सही उपचार है कि इस दर्द को अपने अंदर रखना और अपनी सरकारी नौकरी के लिए काम करना, एक एक बुक पे अपनी कमांड बनाना, वो जो दर्द होता है ना, वो दर्द अपनी किताबों पे निकालना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, एक एक क्वेश्चन को 10 10 बार बनाओ, 20 20 बार बनाओ, एक एक बुक को, एक एक मैथ की बुक को 5 5 बार बनाओ, बस ये कुछ किताबों का अध्ययन करके आप अपना जीवन इतना अच्छा बना सकते हो ना कि पूछो मत, आपको क्या नहीं मिलेगा जीवन में, क्या नहीं मिलेगा, और जो आपका है वो आपका रहेगा, इस चीज़ पे विश्वास रखो, जो आपका है वो आपका रहेगा, और जो आपका नहीं है वो आप कुछ भी कर लो वो आपको कभी नहीं मिलने वाला। इसलिए किसी इंसान के पीछे नहीं भागना, केवल अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए दौड़ना है। और किसके पीछे दौड़ना है? एग्ज़ाम के पीछे। कैसे दौड़ना है? घर में बैठकर। संसाधन क्या होंगे? किताबें, बुक, नोटबुक, पेन और आपका दृढ़ निश्चय, बस, समझे? तो आज के बाद किसी के लिए रोना नहीं, कोई आपको फ़ोन कॉल नहीं कर रहा है भाड़ में जाए, कोई आपसे प्यारी बातें नहीं कर रहा है भाड़ में जाए, किसी की शादी का कार्ड आ गया जिससे आप प्रेम करते हो भाड़ में जाए, एक पल में अगर इन सब चीज़ों को त्यागने का दम रखते हो तो सफल है आपकी ज़िंदगी पक्का, 99.99999% कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन फिक्स है भाई। वो जो 1.1% मैं कह रहा हूँ ना, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आखिरी समय में भी अगर आपके दिमाग में अगर वो वापस आके आपको उलझाने लगा ना तो आप विफल हो जाओगे। इसलिए त्याग की भावना रखो, जो इंसान त्याग सकता है वो इंसान सब कुछ कर सकता है, और एक झटके में अगर आप त्याग रहे हो ना तो आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है, लेकिन त्यागना उसी को जो आपके जीवन के लिए हानिकारक है, जो आपका जीवन बनाने के लिए है, जो आपके साथ खड़ा है, हमेशा खड़ा है, कभी भी मत त्यागना। माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, आपका प्यार हो सकता है, कभी मत त्यागना जो आपका साथ दे रहा है, समझे? एक बहुत बड़ा सपना देखो कि आपके पास एक बहुत बड़ा घर होगा, आपकी बहन की शादी आप धूमधाम से कर रहे होगे, अपने पापा को एक मस्त सी गाड़ी गिफ्ट कर रहे हो, अपने मम्मी को बहुत अच्छे अच्छे गहने दे रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी साड़ी दे रहे हो, ये सपने ही हैं एक विद्यार्थी के जीवन में, बस इससे बड़ा सपना कुछ है ही नहीं, और ये सारे सपने आप अपनी सरकारी नौकरी लेने के बाद कर सकते हो। आप अपने दुख दर्द सारी समस्या मेरे नीचे कमेंट में कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जरूर आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।